वक्त हड़कंप मच गया जब दर्जन भर से ज्यादा स्कूलों में बम होने की सूचना मिली। इन 60 संस्थाओं को ये चेतावनी ईमेल के जरिए दी गई है। पुलिस के मुताबिक ईमेल एक ही आईपी एड्रेस से भेजे गए हैं। टीम आईपी एड्रेस की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस को अब तक कम से कम 50 स्थानों से बम होने की सूचना मिली है। जिन जगहों से ये सूचना मिली है उनमें द्वारका का डीपीएस स्कूल, रोहिणी का डीपीएस स्कूल, वसंत कुंज का डीपीएस स्कूल, नोएडा का डीपीएस स्कूल, दक्षिण पश्चिम दिल्ली का डीएवी स्कूल, पूर्वी दिल्ली का डीएवी स्कूल, पीतमपुरा का डीएवी स्कूल, नई दिल्ली का संस्कृति स्कूल, मयूर विहार का मदर मैरी स्कूल, पुष्पा विहार का एमटी, नफसगढ़ का ग्रीन वैली स्कूल के साथ अन्य स्कूलों का नाम शामिल है। सबसे पहले द्वारका सेक्टर 3 के दिल्ली पब्लिक स्कूल में बम होने की सूचना सामने आई, जिसके बाद पुलिस फौरन पहुंची। दिल्ली पुलिस ने द्वारका का चप्पा चप्पा छाना, लेकिन अभी तक कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला है। दमकल विभाग और बम निरोधक दस्ता भी डीपीएस में मौजूद है। सारे स्कूलों की तलाशी ली जा रही है। बच्चों को घर भेज दिया गया है। सुबह 6 बजे दमकल विभाग को डीपीएस द्वारा अंकिता सिंह के हवाले से जानकारी दी गई कि पूरे स्कूल की तलाशी ली जा रही है। पुलिस की कई टीमें ईमेल को वेरीफाई करने के साथ आईपी एड्रेस की जाँच कर रही है। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से ईमेल भेजने वालों का पता लगाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी के कई स्कूलों से ऐसी सूचना मिली अभी तक, जिसकी जांच का निचोड़ ये है कि कल से अब तक कई स्कूलों को ऐसा ईमेल भेजा गया। सभी का पैटर्न एक है। ईमेल में डेट लाइन का नहीं बीसीसी का जिक्र है। इसका मतलब एक ईमेल एक जगह से भेजा गया है। आला पुलिस अधिकारियों के मुताबिक संभव है कि ऐसे ईमेल और भी पुलिस स्कूलों को भेजे गए हैं। आपको बता दें कि इससे एक दिन पहले गीता कॉलोनी के चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में बम होने की सूचना मिली थी। बुधवार सुबह ऐसी ही सूचना से डीपीएस द्वारका प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। बिना समय गवाए पुलिस को सूचित किया गया। वहीं दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट में कहा कि आज सुबह कुछ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्कूलों को खाली कराया गया है और दिल्ली पुलिस उनकी तलाशी ले रही है। अभी तक किसी भी स्कूल में कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि हम पुलिस और स्कूलों के से लगातार संपर्क में हैं। अभिभावकों और नागरिकों से अनुरोध करूंगी कि घबराएं नहीं, जहां भी जरूरत होगी स्कूल अधिकारी अभिभावकों के संपर्क में रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने अभिभावकों से नहीं घबराने की अपील की है।